नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न क्या है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रश्न हमारा है 0.09 गुणा 0.036 गुणा 0.016 गुणा 0.08 भागे 0.02 गुणा 0.008 गुणा 0.0002 को सरल कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न को हमें सरल करना है। तो इसमें सबसे पहले हम काउंट करते हैं कि दशमलव कितने स्थान बाद है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऊपर 11 अंक बाद है और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 अंक बाद ही नीचे है। तो दशमलव से दशमलव तो पूरा कट जाएगा, तो हम सिर्फ जो संख्या की वैल्यू है उस अकेले को लिखेंगे। तो ऊपर से यहाँ क्या बचेगा, 9, यहाँ बचेगा 36, यहाँ बचेगा 16 और यहाँ बचेगा 8। नीचे से क्या बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा। बस अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। कैसे, 8 से 8 कट जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 8 16 और 2 से करेंगे तो 2 4 8 क्या बचा, 9 बचा, 36 बचा और 4 बचा। इसके हम गुणनखंड निकालेंगे, 9 को लिखेंगे 3 गुणा 3, 6 को 36 को लिखेंगे 6 गुणा 6 और 4 को लिखेंगे 2 गुणा 2। अब बस इसको यहाँ से 3 1 बाहर आएगा, यहाँ से 6 1 बाहर आएगा और यहाँ से 2 1 बाहर आएगा। तो 6 3 18, 18 2 36, तो आंसर कितना निकल के जाएगा, 36। ठीक है, तो आपको समझ में आया हमने इतने बड़े क्वेश्चन को कैसे ही आसानी से सॉल्व कर लिया है। और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।